शाहरुख खान की फिल्म के ट्रेलर ने तोड़ा ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड, क्या केजीएफ को दे पाएगी टक्कर? शाहरुख खान की पठान के ट्रेलर ने रिलीज के कुछ ही मिनटों के अंदर यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। फिल्म के हिंदी ट्रेलर ने सिर्फ 19 मिनट में 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए थे। हाल ही के दिनों में किसी भी हिंदी फिल्म के ट्रेलर ने इतने नंबर दर्ज नहीं किए हैं, और यहाँ तक कि साउथ की ज्यादातर फिल्में केजीएफ चैप्टर 2 और RRR को छोड़कर इस तरह का आंकड़ा जुटाने में विफल रही हैं। पठान का ट्रेलर ट्यूसडे 10 जनवरी को सुबह 11 बजे रिलीज किया गया था। सुबह 11:21 तक इसे 1 मिलियन व्यूज मिल चुके थे। इसकी तुलना में बीते हफ्ते थालापति विजय की वारिसों के ट्रेलर को इस मुकाम तक पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगा था। इसी तरह पिछले साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी इस नंबर तक पहुंचने में इतना ही समय लगा। पठान ने 1 घंटे में 2.8 मिलियन व्यूज को मैनेज किया, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी केजीएफ चैप्टर 2 के 1 घंटे में 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज के सामने ही काफी छोटा है। शाहरुख की पिछली रिलीज जीरो का ट्रेलर 123 मिलियन व्यूज के साथ इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है, जो बागी 3 और बाहुबली 2 के ट्रेलर से ठीक पीछे है। आपको बता दें, पठान एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें शाहरुख, दीपिका और साथ में जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। जॉन अब्राहम का रोल इसमें नेगेटिव है, जिसने भारत में एक के बाद एक आतंकवादी हमले की योजना बनाई है। इसके अलावा फिल्म में आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया की भी मुख्य भूमिका है। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।